आइए थोड़ा मुस्कुराते हैं। तीन दोस्तों ने, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, मुल्क के बादशाह को दरख्वास्त भेजी कि इनकी शादी करवा दी जाए। बादशाह ने तीनों को बुला लिया और कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ, लेकिन एक शर्त होगी, तुम लोगों को एक आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। जो कामयाब हो गया इसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करवा दी जाएगी, और जो नाकाम हुआ इसकी शादी किसी बदसूरत लड़की से होगी। उन्होंने शर्त मंजूर कर ली। इन्हें एक तारीख कमरे में इकट्ठा रखा गया जहां मुकम्मल अंधेरा था, और बताया गया कि यहां एक माह तक रहना है। यही सब कुछ खाना पीना सोना जागना होगा, और कमरे में जगह जगह पापड़ रखे गए हैं। इनसे बचकर रहना है, इनसे बचना है कि पाँव के नीचे ना आ जाएं। जिसका पाँव पापड़ पर आ गया इसकी शादी बदसूरत लड़की से कर दी जाएगी। अब जनाब, तमाम दोस्त इस आजमाइश से सही सलामत गुजरने के लिए मुकम्मल एहतियात से रहने लगे। 9 दिन खैरियत से गुजर गए। 10वें दिन एक दोस्त का पाँव पापड़ पर आ गया। फौरन इसे सिपाही कमरे से निकाल कर ले गए और इसकी शादी बदसूरत लड़की से कर दी गई। अब दो दोस्त खुश हुए कि अब जगह खुली हो गई है। 20वें दिन एक और दोस्त का पाँव पापड़ पर आ गया और सिपाही इसे भी रोता धोता ले गए। अब तीसरा अकेला रह गया। इसने बाकी दिन खैरियत से गुजार लिए। आजमाइश पूरी होने पर इसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए कितनी तकलीफदा आजमाइश से गुजरा हूँ। और इसके बाद उसने अपनी तमाम तफसील उसे बताई। फिर पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुमने मुझे हासिल करने के लिए क्या किया है। बीवी ने ठंडी सांस भरी और कहा, हम भी 3 सहेलियां एक कमरे में बंद थी, फिर एक दिन मेरा पाँव पापड़ पर आ गया।